हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉर यू डायमेंशनल एनालिसिस। क्लास 11th का टॉपिक है ये। और इसको बताने से पहले, डायमेंशनल एनालिसिस शुरू करने से पहले, मैं आपको दो चीजें बताऊंगा और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ यू विल बी नोइंग अबाउट दिस। फिजिकल क्वांटिटीज, यस, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको मालूम है? सब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ही तो है। जैसे मास, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटी ही तो है। और फिजिक्स क्या है? कई डेफिनेशंस हैं फिजिक्स की, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फिजिक्स की है वो कहती है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मेजरमेंट, राइट, विच डील्स विद मेजरमेंट। फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ से शुरू करिए और सरफेस टेंशन तक, विस्कोसिटी तक, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लीजिए, सबका मेजरमेंट है। तो अब पहले हम फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन करें। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके की है? तो बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ द टू टाइप्स। आपने पढ़ा होगा, वन इज द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड अदर वन इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। यस, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, जिनको बेस क्वांटिटी भी कहते हैं हम लोग। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी which are independent and cannot be derived from any other physical quantity, right? एकदम free है, किसी से derive नहीं होंगी। और वहीं पर हम जब second तरीके की quantity की बात करते हैं, that is your derived quantity। तो derived physical quantity क्या है? Those quantities विच डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट नहीं है ये, फंडामेंटल पर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दीज क्वांटिटीज, यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज, आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटी। ठीक है, अब यानी हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मेन क्वांटिटी है, जिनको यूज करेंगे तो हम डेराइव्ड बहुत सी क्वांटिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में अगर बात करें तो मेन फंडामेंटल क्वांटिटी थ्री है। फंडामेंटल में नंबर वन लेंथ, नंबर टू मास एंड नंबर थ्री टाइम। ये हमारी तीन फंडामेंटल क्वांटिटी है मेन। लेकिन क्या हमारे पास तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी है? नो, देयर आर सेवन फिजिकल क्वांटिटीज विच आर फंडामेंटल। तो क्या है? नंबर फोर इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। एंड सेवेंथ क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर, ये सेवन फिजिकल क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब इसके अलावा जितनी भी हैं, आप लेंथ को कहीं से ऑप्टेन नहीं कर सकते, मास को, टाइम को, इलेक्ट्रिक करंट को, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सेवन फिजिकल क्वांटिटी को आप कहीं से ऑप्टेन नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्लियर। अब डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, तो मैंने पहले ही बताया कि डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज विच आर ऑब्टेंड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। एक छोटी सी बता रहा हूं, जैसे मैं बात करता हूं डेंसिटी, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इन सेवन के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है दे ऑल आर डिराइव्ड। अब कैसे डिराइव्ड है, मैं एक ही क्वांटिटी लेके बता रहा हूं डेंसिटी से। डेंसिटी क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। इसका मतलब डेंसिटी दो क्वांटिटी से मिलकर बननी है, एक मास और दूसरा वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है, अगर इसको और लिखें तो मास अपॉन साइड क्यूब, साइड का मतलब लेंथ, यस। तो देखिए डेंसिटी में क्या क्या आ गया, एक तो मास आ गया और दूसरा साइड का मतलब लेंथ, वो भी थ्री टाइम्स। इसका मतलब डेंसिटी हमारी इस मेन फंडामेंटल से मिलकर बनी हुई है, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो अब हमारी ये सेवन मेन फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसके अलावा जो भी है सब हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। ये जो सेवन बेस क्वांटिटी है ये कहलाती है डायमेंशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपकी सेवन फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, दीज क्वांटिटीज आर टर्म्ड एज व्हाट, डायमेंशन। दीज सेवन फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज डायमेंशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। और इन डायमेंशन को नोट कैसे करेंगे, तो कहते हैं, मैं इसमें यहां से हटा दे रहा हूं, डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ। अब इसको लिखेंगे कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट लेंथ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब भी हम लिखेंगे तो दैट विल बी द डायमेंशन। अब मैं आपको बताता हूं कैसे डायमेंशन लिखेंगे। देखिए मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि फंडामेंटल क्वांटिटी मेनली थ्री हैं, जनरल यूज जो होता है लेंथ मास और टाइम का, बाद में और क्वांटिटी आ गई, सेवन क्वांटिटीज हैं लेकिन मेन फंडामेंटल तीन है। तो मैंने कहा डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या लिखेंगे, तो लेंथ का इनिशियल क्या है, कैपिटल एल, यस। मास का इनिशियल क्या है, कैपिटल एम, यस। टाइम का इनिशियल क्या है, टी। ये तो इनिशियल से हो गया, अब इलेक्ट्रिक करंट को किससे बोलेंगे, ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किससे बोलेंगे, सीडी, यूनिट है कैंडला, इसका यूनिट क्या है, कैंडला, तो सीडी से बोलेंगे। या इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, तो ए से बोलेंगे, एम्पियर ए, कैंडला सीडी। और टेम्परेचर, इसको हम, इसका डायमेंशन क्या लिखा है, के, कैल्विन, राइट। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए बोला गया है मोल, राइट। तो ये हमारी सेवन बेस क्वांटिटीज आर व्हाट, द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। स्टार्ट हमारा डायमेंशन एनालिसिस यहीं से शुरू हो रहा है और इसी पे हमारा सब कुछ बेस करेगा। तो सबसे पहले आप सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर डायमेंशन, इसको आप नोट करिए, इसके बाद मैं आपको आगे की बात करता हूं। वीडियो पॉज करिए, नोट करिए। स्टूडेंट्स आपको पता चल गया ना कि सेवन बेस क्वांटिटी फिजिकल वर्ल्ड की डायमेंशन है और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपने अभी नोट कर लिया। अब मैं आपको दो डेफिनेशन दे रहा हूं, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। पहली है डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशनल फॉर्मूला, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशन फॉर्मूला। प्योर डेफिनेशन है,
इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा है डायमेंशन इक्वेशन या डायमेंशनल इक्वेशन, अ फिजिकल क्वांटिटी को एनी डायमेंशन फॉर्मूले से यूज करके जो इक्वेशन बनाएंगे दैट विल बी डायमेंशन इक्वेशन, यानी एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज डायमेंशन इक्वेशन, राइट। वीडियो पॉज करिए, दोनों डेफिनेशन नोट कर लीजिए और इसके बाद मैं सीधे आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकालते हैं बताऊंगा। वीडियो पॉज करिए और दोनों नोट करिए। स्टूडेंट्स, अब मैं आ रहा हूं डायमेंशन फॉर्मूले के ऊपर। अब फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी 7 लिखाई थी उनकी डायमेंशन तो मैंने लिख ही दिया था, मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, करंट के लिए ए, टेम्परेचर के लिए के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, सामने लिखा हुआ था। अब मैं आ रहा हूं जो आपकी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, तो शुरुआत करता हूं वन बाई वन लिख रहा हूं। और इंपॉर्टेंट ये है, पहली बात तो ये कि सारी डायमेंशन आपको याद करनी है, ठीक है, लेकिन बाय द वे नहीं याद है तो आप फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला मालूम होना। मैं शुरू कर रहा हूं बेसिक से, जैसे एरिया, फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी। अब लेंथ के लिए एल, कैपिटल एल, और ब्रेथ, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ कुछ भी है उसकी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एल। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, इंटू एल, दैट इज एल पावर 2। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये फॉर्मूला है और ये डायमेंशन फॉर्मूला। ये फिजिकल क्वांटिटी, ये फॉर्मूला और ये डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला। पहली क्वांटिटी एरिया, नंबर 2 वॉल्यूम, क्या फॉर्मूला है, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ यानी एल, ब्रेथ यानी एल, हाइट यानी एल, एंड दैट इज एल 3। तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, एल 3। ये सब याद होना चाहिए, लेकिन कैसे निकालेंगे शुरुआत है इसलिए बता रहा हूं। वॉल्यूम, इसके बाद थर्ड क्वांटिटी है डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम, फंडामेंटल बताया था, और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एल 3, यानी एम एल माइनस 3। तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द डेंसिटी इज एम एल माइनस 3। डेंसिटी के बाद फोर्थ है स्पीड, फिर से लिख रहा हूं, स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए क्या होगा, एल, टाइम के लिए टी, यानी एल टी माइनस 1, यानी स्पीड या वेलोसिटी, डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस 1। इसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस 1 अपॉन टी, एंड दैट इज एल टी माइनस 2। दिस इज द एक्सेलरेशन, डायमेंशन फॉर द एक्सेलरेशन, और ये सब आपको याद कर लेना है जबरन। इसके बाद सिक्स क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो मास के लिए डायमेंशन एम और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस 2, दैट इज एम एल टी
माइनस टू, ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया राइट। इसके बाद सेवन प्रेशर एफ अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स के लिए डायमेंशन क्या है एम एल टी माइनस टू, और एरिया के लिए क्या है एल टू यानी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। माइनस कैसे हुआ, एल का मतलब एल पावर वन और नीचे पावर टू, ये ऊपर जाएगा माइनस टू, तो वन माइनस टू माइनस वन ठीक है। प्रेशर फिर वर्क, वर्क वर्क का डायमेंशन क्या होगा स्टूडेंट्स, वर्क का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के डायमेंशन क्या है एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ ही है ना, इनटू एल दैट इज एम एल टू टी माइनस टू। यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ये फिजिकल क्वांटिटी। आप वीडियो पॉज करिए, कॉपी बना लीजिए और वहां पर इन सारी फिजिकल क्वांटिटी को वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला, ये आठ नोट करिए, इसके बाद हम आगे और बताते हैं। एट क्वांटिटीज नोट कर लिया, नाइन्थ प्रेशर पावर, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क अपॉन टाइम, और वर्क की डायमेंशन फॉर्मूला क्या था एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी, प्लस वन हो जाएगा यानी एम एल टू टी माइनस थ्री। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे डायमेंशन फॉर्मूले को, ये ध्यान रखना डायमेंशन फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा। पावर हो गया, अब इसके बाद आता है मोमेंटम, मोमेंटम क्या है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास के लिए एम और वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन यानी एम एल टी माइनस वन, एंड दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम। इंपल्स इलेवन, इंपल्स क्या होता है एफ डेल्टा टी, तो एफ के लिए क्या है एम एल टी माइनस टू, अभी पीछे लिखा है जो आठ लिखी उसी में से सब याद कर लीजिएगा, और नहीं आती तो ये फॉर्मूला तो आपको मालूम हो गई होगा, अगर साइंस पढ़ रहे हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है तो ये बड़ी गलत बात है। एम एल टी माइनस टू और इंटू टी यानी एम एल टी माइनस वन, ये हो गया इंपल्स। स्टूडेंट्स और बात करते हैं, जैसे मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम पीरियड यानी वन बाई टी दैट इज टी माइनस वन ठीक है। नेक्स्ट करते हैं थर्टीन एंगल, ये क्या होता है आर्क अपॉन, आर्क भी लेंथ है, आर्क का मतलब डिस्टेंस और रेडियस ये भी डिस्टेंस है यानी दिस इज डायमेंशन लेस, ये आपकी एंगल जो है डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है राइट। इसके बाद एंगल के बाद मैंने ये जो फिजिकल क्वांटिटी बताई है 12-13 ये फिजिकल क्वांटिटी आपको मालूम है ठीक है। अब मैं दो फिजिकल क्वांटिटी नहीं बता रहा हूं, जैसे स्ट्रेस फॉर्मूला है एफ अपॉन ए, एफ का मतलब एम एल टी माइनस टू ए एल टू यानी एम एल माइनस वन टी माइनस टू ठीक है।
स्ट्रेन, एस टी आर ए आई एन, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्मॉल एल बाई एल, लेंथ का रेशियो है, तो क्या हो गया, डायमेंशन लेस। इसके बाद इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस की डायमेंशन क्या है, एफ अपॉन ए, दैट इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और स्ट्रेन डायमेंशनलेस है, यानी एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एंड दिस इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और एक और बता रहा हूं, नई फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज सरफेस टेंशन, इसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स की डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू, और लेंथ के लिए एल, ये कैंसिल हो जाएगा एल, दैट यू विल हैव एम टी माइनस टू। स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करिए और इन फिजिकल क्वांटिटी और उनके डायमेंशन को नोट करिए, पेन डाउन करिएगा, यस पॉज द वीडियो। स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया ना, तो मैंने जितनी डायमेंशन बताई है ये तो आप नोट कर लीजिए, इसके अलावा बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी डायमेंशन बुक में लास्ट में दी गई है, वो आप याद कर लीजिएगा। ये कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपको फॉर्मूला किसी फिजिकल क्वांटिटी का मालूम है तो आप डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, ये मैंने यहां पर बताया है, ठीक है। तो इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।